भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज का सूपड़ा साफ कर दिया। पहले हमने ओडीआई में 3-0 से उन्हें हराया और अब T20 मैचेस में भी 3-0 से हरा दिया। लेकिन उसके बाद भारतीय टीम ने एक बड़ा अचीवमेंट हासिल किया एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ रोहित शर्मा कैप्टनसी। जी हाँ, रोहित शर्मा की शानदार कैप्टनसी की वजह से टीम इंडिया 6 सालों के लंबे अंतराल के बाद T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में फिर से नंबर वन टीम बन गई है। आपको बता दें कि आखिरी दफा जब भारतीय टीम नंबर वन रैंकिंग में आई थी T20 इंटरनेशनल में, वो 2016 में आई थी, फरवरी 2016 में, और मई तक हम रहे थे 2016 के मई तक। उस समय कैप्टन थे आपके महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन 6 सालों के लंबे इंतजार के बाद भारतीय टीम जो है वो एक बार फिर से T20 इंटरनेशनल में नंबर वन पोजीशन पर आ गई है, नंबर वन रैंकिंग पर आ गई है। और हमने इंग्लैंड को पछाड़ा है क्योंकि भारतीय टीम आखिरी दफा जब मैच हारी थी वो हारी थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, आपको याद होगा 2021 T20 वर्ल्ड कप में। उसके बाद हमने लगातार स्कॉटलैंड, नामीबिया, अफगानिस्तान को हराया, उसके बाद हमने न्यूजीलैंड को 3-0 से हराया और अब वेस्ट इंडीज को भी 3-0 से हरा दिया है। तो रोहित शर्मा की कप्तानी में लगातार 6 T20 मैचेस हमने खेले हैं और 6 के 6 हम जीत गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में भारतीय टीम जो है वो नंबर एक पायदान पर आ गई। अभी तो शुरुआत है, उम्मीद करेंगे कि टीम इंडिया इसी तरीके से परफॉर्मेंस करे अंडर द कैप्टनसी ऑफ रोहित शर्मा। जो उनकी आप कहेंगे स्ट्रेटजी दिखी है, दैट इज फैंटास्टिक, जिस तरीके से टीम बिल्कुल यूनाइट होकर खेल रही है। लेकिन बड़ा चैलेंज अभी आने वाला है जब हम इंग्लैंड के खिलाफ खेलने के लिए इंग्लैंड में जाएंगे, जब ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होगी। लेकिन उससे पहले भारतीय टीम सॉलिड नजर आ रही है और उम्मीद यही करेंगे कि यही टीम इंडिया जो है वो 2022 को यादगार बनाए और नंबर वन पोजीशन पर रहे और नंबर वन पोजीशन के साथ ही साल की समाप्ति करे और साथ ही साथ एक ICC ट्रॉफी जो टीम इंडिया है वो अपने नाम करे। रोहित शर्मा की कप्तानी में ये होते हुए पॉसिबल नजर आ रहा है। क्या आपको लगता है कि ये बातें सही हो सकती है? आप हमें जरूर अपने व्यूज रखिएगा, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक करते रहिएगा।